हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार विश्वकर्मा और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि जो 2018 में एमपी बोर्ड 10th 12th की परीक्षा हुई थी उसके परिणाम आ चुके हैं और कोई छात्र जो जिसे संदेह है कि उसको कम अंक मिले हैं या रीटोटलिंग में कुछ गड़बड़ी है तो वो अपनी कापी निकलवाना चाहता है या रिजल्ट के नंबर दोबारा से जुड़वाना चाहता है, कोई किसी भी सब्जेक्ट के नंबर दोबारा काउंट करवाना चाहता है या किसी भी सब्जेक्ट की कापी निकलवाना चाहता है तो वो इस माध्यम से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है। और इसके बाद आइए जानते हैं आवेदन करने की आवेदन कर सकता है और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है और किसी भी सब्जेक्ट या विषय की कापी निकलवा सकता है या उसका रीटोटलिंग करवा सकता है। तो आइए आगे की प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पर एमपी ऑनलाइन खोलिए, इसके बाद आपको आवेदन पर खोलना है। आवेदन को खोलने के बाद आपके पास मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का ऑप्शन आएगा, इसको खोलना है। इसके बाद जैसे ये खुलता है इसको आपको काउंटर बैसेट फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ आंसर बुक ये लिखा तीसरे नंबर पर आंसर बुक रीटोटलिंग रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, तो इस पे आपको फर्स्ट नंबर पर खोलना है और आपको चुन लेना है कि रीटोटलिंग करवाने की आंसर बुक निकलवाना है। जैसे कि रीटोटलिंग करवाना तो रीटोटलिंग 10th 12th क्लास चुनना है और क्वेश्चन चुनना है और रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद सर्च करना है तो आपके पास छात्र का जो है पूरा डिटेल खोला आएगा। इसके बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट में रीटोटलिंग करवाना है या कापी निकलवाना है उस सब्जेक्ट में आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको उस छात्र का पूरा एड्रेस डालना है आधार कार्ड के अनुसार और डिस्ट्रिक्ट चुन के आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड ज़रूरी है जो डालकर और सेव बटन पर क्लिक करें। सेव बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होने के बाद आप स्लिप निकाल कर स्टूडेंट को दे सकते हैं। और इसके बाद आपको 15 से 20 दिन में अगर आपने आंसर बुक निकलवाई है तो आपके एड्रेस दिए गए एड्रेस के अनुसार उस पते पर भेजी दी जाएगी और यदि आपने रीटोटलिंग करवाया तो इसका रिजल्ट 15 से 20 दिन में पता चल जाएगा। आपको अगर इस बारे में कुछ चाहिए और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिखें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और ध्यान रहे इसका फॉर्म आप एमपी ऑनलाइन के उसके माध्यम से ही भरें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। धन्यवाद।